हाय एवरीवन मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाय एस जे एस तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार सोयाबीन और आलू की सब्जी की रेसिपी तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंड्स सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे एक कप सोयाबीन ये एक कप सोयाबीन है नॉर्मल वाली है ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी है मीडियम साइज वाली सोया बड़ी है और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और इसमें डाल देंगे सोयाबड़ी को और इसको सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पे इसे तीन से चार मिनट में बॉईल हो जाएगा फ्लेम मीडियम रखिएगा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको तो जैसा कि देख सकते हैं कि एकदम बड़ी सॉफ़्ट हो चुकी है बहुत जल्दी ये पक जाती है अब इसको छलने की सहायता से निकाल लेते हैं एक बर्तन में तो सारे सोया बड़ी को ऐसे ही निकाल लेंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो कुछ टाइम पहले भिगा भी सकते थे मैं भिगाई नहीं थी इसलिए इसमें बॉईल कर ली हूँ और नमक इसलिए डाली हूँ फ्रेंड्स कि सोया बड़ी जो है वो भी थोड़ा नमकीन हो जाएगी अच्छे से इसमें तो इस स्टेज पर ही आप लोग नमक डालें तो बहुत ही सोया बड़ी में नमकीन नमकीन टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में अब सारे सोयाबड़ी को धीरे धीरे निचोड़ लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है इसमें थोड़ा सा मोइस्चर बना रहना चाहिए तो उतना ही हमें निचोड़ना है तो सारे सोयाबड़ी के पानी को निकाल लिए हैं अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए तो यहाँ पे कुकर में डालेंगे दो से तीन चम्मच तेल और इसमें सोया बड़ी को डाल करके थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर देंगे फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो आप ज़रूर फ्राई करें और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना हाई फ्लेम पे जलने लगेगा इसलिए थोड़ा सा चलाते हुए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो सारे सोयाबड़ी को निकाल लेते हैं ऐसे ही फिर उसके बाद वापस से उसी कुकर में दो टेबल स्पून तेल डालेंगे आधा चम्मच जीरा जीरा को चटकने देते हैं थोड़ा सा उसके बाद चार मीडियम साइज का प्याज है बड़े साइज का प्याज है थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े में इसको कर लिए हैं एक कुकर में बना रहे हैं तो अपने आप ये प्याज गल जाएगी इसलिए आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं प्याज को तब इसको चलाते हुए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज हो रहा है अब इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ है दस से पंद्रह लहसुन को कद्दूकस कर लिए हैं और एक इंच अदरक का टुकड़ा था उसे भी कद्दूकस कर लिए हैं प्याज के साथ इसे भी भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए आप ना चाहें लहसुन और अदरक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ये तीखा नहीं होता है कलर के लिए आपके पास हो अगर तो एक चम्मच जरूर डालना मेरे पास नहीं था तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला स्वादानुसार नमक या एक छोटी चम्मच नमक अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालेंगे क्योंकि सूखे मसाले नहीं भून पाएंगे तो यहाँ पे गरम पानी ऐड कर रहे हैं एक कप चलाते हुए इसको पानी ऐड करेंगे इसमें और थोड़ी देर तक इसको भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है मसालों को तो यहाँ पे टोटल एक कप पानी ऐड की हूँ फ्रेंड चलाते हुए थोड़ा सा इसको भून लेते हैं तो अब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे ऊपर से थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं और फ्रेंड्स देख के बॉयल आ रहा है अब थोड़ा सा ढक देंगे तो मसाले अच्छे से पक जाएंगे ये ढक्कन कुकर का अच्छे से लगाए नहीं है बस ऊपर से ढके हुए हैं ताकि मसाले भुन जाए तो आप देख सकते हैं कि तेल सेपरेट हो गए हैं मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं थोड़ा सा अब यहाँ पे थोड़ा चला लेंगे इसको और मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे थोड़ा सा पानी यहाँ एक चौथाई कप और ऐड करेंगे और जितना भी मैं पानी फ्रेंड्स ऐड कर रही हूँ गर्म पानी ही है तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी ही ऐड करें तो यहाँ पे अब ढक्कन लगा कर इसमें तीन सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि प्याज और मसाले अच्छे से प्याज गल जाएगी और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन सीटी आ चुकी है और ढक्कन भी खुल चुका है कुकर का तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरह से तेल सेपरेट अच्छे से हो गया है कुकर में मसाले भुनने से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है इसमें फ्रेंड्स सोयाबीन की तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और फ्रेंड्स यहाँ पे दो बड़ा साइज़ का आलू है इसको बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए हैं तो इसमें बड़े बड़े टुकड़े थोड़ा सा देखने में भी अच्छे लगते हैं तो इसलिए बड़े बड़े टुकड़े की हूँ आप चाहें तो इसके छोटे छोटे भी टुकड़े कर सकते हैं और मसाले में अच्छी तरह से तीन से चार मिनट में आलू भुन जाते हैं और जो सोया बड़ी फ्राई करके रखे थे अब उसको भी यहाँ पे डाल देंगे डालकर थोड़ा इसमें पानी और ऐड करेंगे एक कप के लगभग और ऐड करेंगे ग्रेवी आपको जैसी चाहिए वैसी रख सकते हैं थोड़ी देर तक इसको भून लेंगे मसालों के साथ आलू सोयाबड़ी को एक से दो मिनट ही क्योंकि सारी चीज़ पकी हुई है बस आलू को ही थोड़ा सा भूनना है तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से पानी डाल लें और गर्म पानी ही ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कसूरी मेथी है इसको थोड़ा सा तवे पर सेक करके क्रश कर ली हूँ बारीक कटा हुआ धनिया है इसे भी डालकर इसमें मिला देंगे अच्छी तरह से तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिल चुके हैं मसाले और और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मुझे जितने ग्रेवी चाहिए थे उतनी डाली हूँ पानी अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाकर दो सीटी फिर लेंगे दो सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही ताकि आलू अच्छे से इसमें कुक हो जाए तो यहाँ पे दो सीटी आ चुकी है और कुकर का ढक्कन भी खुल चुका है अब इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं और कितना इसका कलर और टेक्चर देख सकते हैं बहुत ही लजीज सब्ज़ी बनी हुई है फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना थोड़ा सा धनिया पत्ती और ऐड कर देंगे लास्ट में थोड़ी सी बची थी तो अब धनिया पत्ती जितना मन पसंद आपको हो उतना डाल सकते हैं अब इसको सर्व कर लेते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी सब्जी फ्रेंड्स मैं कई बार कह चुकी आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा जब तक ट्राई नहीं करेंगे इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और हरी मिर्च स्लिट करके थोड़ा सा इसकी गार्निश कर देते हैं तो लीजिए फ्रेंड्स बड़ी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसको रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय